नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए हमने काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न को लाए हैं जो कि एकदम 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एक भी फालतू प्रश्न नहीं है, मैं आपसे फिर से बहुत बता रहा हूँ कि एक भी ऐसे फालतू प्रश्न नहीं है जिसको देखने से आपका टाइम बर्बाद होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा हो, तो दोस्तों वीडियो को बारीकी से एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझें, और अगर संभव हो तो पेपर और पेन लेकर के इस प्रश्न को नोट कर लेंगे तो आपको और मदद मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए, मैं चाहूँगा कि आप लेट किए बिना डायरेक्ट वीडियो पर चलेंगे। और दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, आप वीडियो पर चलते हैं, टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर आप लोगों को सबसे अच्छे और सर्वोत्तम संभावित प्रश्न बताया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे जो 20 नंबर 21 नंबर दिया है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, ठीक। आप इसको न मानकर चलें, आपको बस ध्यान देना है केवल प्रश्न पर कि क्या प्रश्न है, ठीक है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है जो कि कल आने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा एक मार्क का कार्य किया है दोस्तों। तो इसका कार्य क्या होता है, कृषि पदार्थों की निश्चित शुद्धता की गारंटी करना, ठीक है दोस्तों। जैसे एक मार्क जो है, इसका कार्य क्या होता है, ये होता है कृषि पदार्थों की निश्चित शुद्धता की गारंटी करता है, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एक मार्क का चिन्ह किस वस्तु पर लगाया जाता है। तो दोस्तों, एक मार्क का जो चिन्ह होता है वो कृषि उत्पादों या कृषि पदार्थों पर लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको आप बिल्कुल बारीकी से ध्यान से समझें, और दोस्तों अगर संभव हो तो पेपर पेन ले लें और इसको नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जाएगा केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला कहाँ है। यानी आपको इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि जो हेड क्वार्टर है, यानी जो कहाँ है इसका हेड क्वार्टर एक मार्क का, तो आपको सही उत्तर देना होगा नागपुर, यानी, ठीक है दोस्तों। तो जो केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला कहाँ है, ये नागपुर में है। और दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, और दोस्तों अगला प्रश्न है खाद परिष्करण किस प्रकार की उपयोगिता को बढ़ाता है। तो दोस्तों, खाद परिष्करण जो होता है वो खाद्य का रूप उपयोगिता को बढ़ाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगला देखते हैं, और दोस्तों देखिए आगे पूछा जा रहा है परिवहन किस प्रकार की उपयोगिता को बढ़ाता है। तो दोस्तों, परिवहन किस प्रकार की उपयोगिता को बढ़ाता है दोस्तों, तो स्थान उपयोगिता को बढ़ाता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि परिवहन के माध्यम से जो कोई प्रोडक्ट है, एक जगह से दूसरे जगह और तीसरे जगह या अन्य जगह तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। इसलिए जो परिवहन किस प्रकार की उपयोगिता को बढ़ाता है, तो दोस्तों परिवहन जो होता है वो स्थान उपयोगिता को बढ़ाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा, इस प्रश्न को आपसे घुमाकर भी पूछा जा सकता है। जैसे इसमें बताया जा रहा है भंडारण किस प्रकार की उपयोगिता को बढ़ाता है। तो भंडारण जो है वो समय उपयोगिता को बढ़ाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, जब भंडारण किसी आलू या किसी एग्रीकल्चर जो होता है कृषि उत्पाद का, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखने से क्या होता है, समय का उपयोगिता बढ़ जाता है, ठीक है। और आगे देखिए दोस्तों, और दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा जाएगा, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के किसान हैं। तो दोस्तों, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के किसान हैं, सीमांत किसान है, ठीक है दोस्तों। किस प्रकार के सीमांत किसान, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करने लायक प्रश्न है। और दोस्तों, इससे भी इंटरेस्टेड प्रश्न आगे आपको मिलेंगे वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये आखिरी बार है। समझिए कि अगर आप इन तमाम प्रश्नों को अच्छी तरह समझ लेंगे और नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि कम से कम 5 प्रश्न तो ऐसे हैं जो कि आएंगे ही आएंगे। अगर यकीन ना हो तो पेपर देने के बाद आप आकर मुझे इस वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना लड़ा, कितना फंसा और कितना नहीं फंसा। तो दोस्तों आगे देखते हैं, दोस्तों आगे है सीमांत किसान के पास कृषि और भूमि कितनी होती है। तो दोस्तों, कृषि और भूमि कितनी होती है, वो 1 हेक्टेयर से कम होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, और दोस्तों देखिए ये जो प्रश्न है जो आगे आपसे पूछा जाएगा, नेफेड की स्थापना कब, यानी किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, नेफेड का जो स्थापना है वो सन 1958 में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रश्न ज़रूर से ज़रूर आएगा, यानी 90%+ जो है इसका उम्मीद है कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा। और दोस्तों, इससे भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आगे है, जैसा कि आपसे पूछा जाएगा भारतीय खाद्य निगम की स्थापना यानी FCI का स्थापना कब हुआ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1965, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लें, क्योंकि ये जो इसमें वाले प्रश्न होते हैं इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। दोस्तों, नेफेड का स्थापना सन 1958 में हुआ था, और FCI का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1965 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। और आगे देखिए, और दोस्तों आगे है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है, ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है दोस्तों, तो ये है जयपुर में, ठीक है। जयपुर कहाँ है, राजस्थान में। तो आपको सही उत्तर, अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाए तो आपको उत्तर देना होगा जयपुर, ठीक है। और आगे देखते हैं, और दोस्तों आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जा सकता है इस प्रश्न को, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों, जो कृषि मूल्य आयोग है, इसकी स्थापना 1965 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसे याद करने का आसान तरीका या ट्रिक बोले तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे कि ये है एक ये है भारतीय FCI यानी भारतीय खाद्य निगम, और कृषि मूल्य आयोग, दोनों का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1965 में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों, आप इन दोनों को याद कर सकते हैं, FCI और कृषि मूल्य आयोग, ठीक है। और आगे देखिए, और दोस्तों जैसा कि
आगे और 32 नंबर जो इसमें 32 दिया है, इसे आप मैं आगे ही बोल दिया था कि आप लोग इसे कोई मतलब नहीं रखना, बस आप लोग प्रश्न पत्र पर ध्यान देते जाइए। और दोस्तों आगे है कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य लागत किस वर्ष हुआ था, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1985 में, ठीक है। नाम बदला गया था कृषि मूल आयोग को और नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य लागत किया गया था 1985 में। और दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम किस वर्ष पारित हुई, तो दोस्तों ये 1964 ईस्वी में पारित हुआ था उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, ठीक है। और आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कृषि उपज विकास एवं भंडारण निगम अधिनियम कब पास हुआ, तो दोस्तों 1956 में पास हुआ था, ठीक है दोस्तों। यानी कृषि उपज यहाँ पे कोष्टक में आपको दिया है विकास एवं भंडारण निगम अधिनियम कब पारित हुआ था, तो दोस्तों 1956 में पारित हुआ था। और आगे देखिए, आगे का प्रश्न है भारत में प्रथम कोल्ड स्टोरेज की स्थापना कहाँ हुई थी। हाँ दोस्तों इस प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से समझिएगा क्योंकि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, केवल इस परीक्षा की दृष्टि से नहीं बल्कि आने वाले अन्य परीक्षाओं के लिए भी। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम कोल्ड स्टोरेज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो दोस्तों बंगाल कोलकाता में हुआ था, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और दोस्तों आगे देखिए, अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है, भारत में प्रथम कोल्ड स्टोरेज की स्थापना कहाँ हुई थी, सॉरी कब हुई थी, तो ये हुआ था 1892 में। कहाँ हुई थी, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल, और कब हुआ था, तो 1892। मैं दोस्तों आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं इसको अगर आप कॉपी पर नोट करेंगे और फिर से रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम सुरक्षित गोदाम की स्थापना हुई थी, तो कहाँ हुआ था दोस्तों, ये बिहार में हुआ था, ठीक है, बिहार में। और देखिए आगे, और आगे है दोस्तों भारत में प्रथम सुरक्षित गोदाम की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों यह 1956 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था, और कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था, किसका, भारत में सुरक्षित गोदाम। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। और आगे देखिए, आगे है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्यालय जो है फरीदाबाद हरियाणा में है दोस्तों। दोस्तों अब वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि दोस्तों ये समझिए कि ये आखिरी बार है, अगर ये बार खाली चला गया तो फिर आप पछताओगे, बोलोगे अगर मैं उस वीडियो को देखा होता बारीकी से तक तो शायद मैं प्रश्न को हल कर पाता। तो दोस्तों मैं आपसे जैसा कि शुरू में बोल दिया हूँ कि इसमें एक भी ऐसे फालतू प्रश्न नहीं है, ठीक है। ये टोटली प्रश्न जो इसमें शामिल किए गए हैं ये सिलेबस के प्रश्न हैं, जो कि यूनिवर्सिटी पहले बताती है कि इसको पढ़िए, इससे हम पूछेंगे, ये वही प्रश्न है जो कि यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है, बताती है। और दोस्तों आगे देखिए, और अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय खाद्यान्न भंडारण संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों ये हापुड़ उत्तर प्रदेश में, जो कि पश्चिमी यूपी में पड़ता है, हापुड़ यूपी में है। और आगे देखिए दोस्तों, और आगे आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, आगे केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों ये मैसूर कर्नाटक में है, ठीक है दोस्तों, ये मैसूर कर्नाटका में है, ठीक है। और दोस्तों आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जा रहा है अति अल्पकालीन बाज़ार को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों जो अति अल्पकालीन बाज़ार होता है इसे दैनिक बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, इसे दैनिक बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अति अल्पकालीन बाज़ार होता है। और दोस्तों आगे देखिए, आगे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा सकता है कृषि विपणन की एक मुख्य समस्याएं बताइए, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मध्यस्थों की लंबी श्रृंखला, क्योंकि आप लोग जानते हैं भारत में जो कृषि विपणन है कितनी उलझी हुई है, कितने बिचौलिया होते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है, मध्यस्थों की लंबी श्रृंखला। और आगे देखिए दोस्तों, और आगे है कृषि विपणन की समस्याओं में सरकार द्वारा उठाए गए किसी एक कदम को बताइए, तो दोस्तों जो सरकार है कृषि विपणन समस्याओं के समाधान करने के लिए मंडियों को नियंत्रित करता है, ठीक है। और आगे देखिए दोस्तों, बारीकी से समझते जाइए, बिल्कुल बारीकी से आपको समझना जरूरी हो गया है क्योंकि पेपर होने वाले हैं जल्द ही। तो दोस्तों आगे देखिए, नियंत्रित बाज़ार का संचालन कौन करता है, तो दोस्तों मंडी समिति करता है, ठीक है। नियंत्रित बाज़ार का संचालन कौन करता है, तो ये मंडी समिति करता है। और आगे आपसे पूछा जा सकता है मंडी समिति का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, दोस्तों तो ये होता है मंडी का सचिव, ठीक है। यानी मंडी का सचिव जो होता है मंडी समिति का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और आगे है कृषि वस्तुओं के आकार के अनुसार विभिन्न समान वर्गों में बांटना क्या कहलाता है, दोस्तों श्रेणीकरण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। आकार के अनुसार अलग अलग भागों में बांटना श्रेणीकरण कहलाता है। और आगे देखिए, भारत में धान के उत्पादन को किस राज्य, भारत का धान उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल, आप लोग जानते होंगे। हालांकि ये प्रश्न कोई खास नहीं है और इसको आप जानते भी होंगे। और दोस्तों आगे देखिए, और आगे है देखिए दोस्तों, जो अगला प्रश्न है ये मैं बता रहा हूँ, जिस पर 52 नंबर लिखा हुआ है, फिर आपको नंबर से क्या मतलब, आपको प्रश्न समझ जाना है अच्छी तरह से। और दोस्तों आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं,
क्या समझते हैं दोस्तों? जब दो अलग अलग देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं के लेन देन का लेन देन होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जब दो अलग अलग देशों के बीच जब वस्तुओं या सेवाओं का लेन देन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आप लोग बिल्कुल समझते हैं। और दो देशों के बीच जो किसी भी वस्तु या सेवा का अगर लेन देन हो, खरीद बिक्री हो, आदान प्रदान हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, उसको क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे। और देखिए दोस्तों, जो अगला प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और 90% या 99% बोले तो ये प्रश्न कल या जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस का पेपर है उसमें ये प्रश्न 99% आएगा तो आएगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, यानी गेट का स्थापना कब हुआ था, तो दोस्तों 1 जनवरी 1948 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। इसका सदस्य भारत भी है, जो कि इसका भारत एक संस्थापक सदस्य है, जैसा कि पहले के वीडियो में बताया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल खोलिए और उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है ये वीडियो। और दोस्तों देखते हैं आगे, और दोस्तों आगे क्या है, आगे है दोस्तों गेट का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है दोस्तों। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी समस्याओं को पारस्परिक सहयोग द्वारा सुलझाना। इसका मतलब जो गेट का कार्य क्या होता है, इसका जो GATT होता है, जो GATT यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है गैट, खैर कोई बात नहीं, इसको इंग्लिश में आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दूँ, आप इसको भी जान लीजिए कि आखिर ये GATT क्या होता है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर लिख तो नहीं पाऊँगा लेकिन आप ध्यान से सुन लीजिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है दोस्तों। जो GATT का फुल फॉर्म होता है क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है दोस्तों। और आगे देखते हैं, देखिए बैटरी लो मार दिया, कोई बात नहीं, आगे हम लोग ध्यान देते हैं। और दोस्तों आगे ध्यान देंगे तो क्या हम लोग क्या देखने को मिलेगा, आगे मिलेगा आपको WTO से आप क्या समझते हैं, ठीक है दोस्तों। WTO से आप क्या समझते हैं, WTO मतलब क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, यानी विश्व व्यापार संगठन होता है WTO का मतलब। और दोस्तों इसका उत्तर कुछ इस तरह से है, यह विश्व व्यापार का एक संगठन है, ठीक है दोस्तों, जिसकी स्थापना गेट के अस्तित्व के समाप्त होने पर 1 जनवरी 1995 में हुआ था। तो दोस्तों देखिए इसमें दो प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न, ये कब बना, जब गेट का अस्तित्व समाप्त हो गया तब इसकी स्थापना हुआ, और इसका स्थापना कब हुआ दोस्तों, तो इसका जो स्थापना हुआ वो 1955 में हुआ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए, खास महत्वपूर्ण वीडियो, कुछ छात्रों के डिमांड पर लाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जितने प्रश्न बताए गए हैं इसमें से कम 5 प्रश्न, एक बार फिर से आपको बता दूँ, इसमें से कम 5 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, ये मेरा चैलेंज है। अगर ना आए तो फिर आप इस वीडियो के कमेंट में आकर मुझे बता सकते हैं कि नहीं आया, या मैं इसका जो पेपर होने वाला है उसका भी सोल्यूशन आएगा तो आप उसमें बता सकते हैं। दोस्तों मुझे तो पूरा उम्मीद है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ तक वीडियो को देख लीजिए तो लाइक भी कर दीजिए, और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान।